नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विस हेल्प। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने राशन कार्ड से कैसे अपने फैमिली मेंबर्स का या फिर गाइस किसी का भी कैसे नाम को आप हटा सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूंगा, अगर फ्रेंड्स आप भी अपने ज्वाइंट फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और गाइस अपने फैमिली मेंबर्स का नाम को अपने राशन कार्ड से हटाना चाहते हैं, अदरवाइज उस राशन कार्ड में से अपना नाम को आप हटाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सारा कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए बने इस वीडियो के एंड तक, और चैनल पर पहले बार आए तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, जिससे फ्रेंड्स आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है NFSA। तो गाइस आपको लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ करके यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है NFSA.gov.in। आपको सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ करके यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सिंपली इस वेबसाइट पर आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपना स्टेट का नाम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, सभी स्टेट का राशन कार्ड से नाम हटाने का सेम ही प्रोसेस है। तो गाइस आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपना स्टेट का नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं अपना झारखंड से हूँ, तो गाइस मैं झारखंड पे मैं क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बात फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड का ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे राशन कार्ड का ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ करके यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मतलब फ्रेंड्स किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप के मोड में यहाँ पे आपका मोबाइल फोन का भी स्क्रीन यहाँ पे हो जाएगा। होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन सेवा। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन। तो गाइस आपको ऑनलाइन आवेदन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको फिर से यहाँ पे ट्रिपल डॉट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे कार्ड का प्रकार यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है डीलर बदलना, और फ्रेंड्स परिवार के सदस्यों को जोड़ना, परिवार के सदस्यों को हटाना। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं। तो गाइस हम लोग को परिवार के सदस्यों को हटाना है। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स को आपको पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है परिवार के सदस्य को हटाना। तो गाइस आपको सिंपली इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास फिर से ऐसा कुछ यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक यहाँ पे मैसेज बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है राशन कार्ड में सदस्य हटाने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नाम पे आवश्यक सुधार के लिए आवेदन पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ जिला आपूर्ति कार्यालय में जाकर सदस्य हटाएं। मतलब फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में कोई गुजर गए हैं या फिर गाइस आपके घर में किसी का भी शादी हुआ हो और उनका राशन कार्ड से अपना नाम हटाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको उस आवेदन पत्र में आपको उसका रीजन लिखना होगा, जिला आपूर्ति के पदाधिकारी के नाम पर एक आवश्यक पत्र लिखना होगा, और फ्रेंड्स उसमें आपको रीजन लिखना होगा कि आप किस कारण से अपना राशन कार्ड से नाम आप हटाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपको राशन कार्ड की छायाप्रति लगाना होगा, अपने आधार कार्ड की भी आपको टू कॉपी लगाना होगा, और फ्रेंड्स जिनके नाम पर राशन कार्ड है उन
उनका भी ट्रू कॉपी आपको लगाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना ब्लॉक में जाना होगा। ब्लॉक में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको SDO के पास सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करना होगा, और जमा करने के बाद फ्रेंड्स 1 से 2 हफ्ते के बाद आपको अपना राशन कार्ड से नाम को हटा दिया जाएगा। इस तरह से अपने राशन कार्ड से अपना नाम को आप हटा सकते।